कर लीजिए बाहर का। इतना मस्त मौसम हो रहा है आज सुबह सुबह ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं सुबह के 9 बज रहे हैं अभी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह के 5 बजने वाला मौसम है। इतना अच्छा महसूस हो रहा है और कोहरे कोहरा इतना ज़्यादा है, मोटा मोटा बूंद का कोहरा है। मुझे लग रहा है आज का दिन ऐसा ही रहने वाला है। जैसे जैसे साल अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना और मस्त होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुल्लू मनाली बिहार में ही हो गया हो इस बार। अब इतना ज़्यादा कुहासा हो गया है कि कुहासे के तलाश में हम लोग थोड़ा घर से बाहर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को कुछ बढ़िया बढ़िया नज़ारा मिलेगा। तो ये है हमारा बाइक और इसी बाइक से अभी हम निकलने वाले हैं बढ़िया नज़ारे की तलाश में। कुहासा इतना ज़्यादा है कि आप देखो सीट में पूरा पानी पानी है ना, पानी देखो। अब इसको पोछना पड़ेगा अच्छे से तभी बैठ सकते हैं। देखो आप, जरूरत ही नहीं। अभी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठंडी इतना ज़्यादा था कुहासे की वजह से इंजन। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से बाहर नज़ारों को कैद करने के लिए कैमरा में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे अच्छे शॉट्स मिलेंगे। अभी मैं जस्ट अपने घर से बाहर निकला हूं, रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है, विजिबिलिटी धीरे धीरे हो रही है और बकरियां रोड पर मजे कर रही है। उसके बाद अब जो है हम लोग निकल रहे हैं दुर्गा मंदिर के तरफ। अब देखो यहां से दुर्गा मंदिर बिल्कुल साफ नज़र आता था पहले, लेकिन अभी विजिबिलिटी इतनी मस्त हो गई है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि मंदिर किधर है। ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी गिर नहीं रहा है मतलब ये कुहासा के वजह से सिर्फ ऐसा हो रहा है। इधर दिखाइए, ये देखो खेत का नज़ारा कुछ ऐसा, इधर ऐसा है धान के खेत। ये देख लो आप, मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं। मंदिर के पास का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बेहतरीन नज़ारा, नंबर वन नज़ारे, एक नंबर नज़ारे। ये जो जगह है ये डुमरिया का दुर्गा स्थान मंदिर का जगह है और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। ये लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, एक नंबर का लोकेशन है। ये देखो आप हरियाली, ग्रीनरी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, मॉर्निंग का ग्रीनरी। ये सभी लोकेशन आप लोग देख लो दोस्तों, इसी लोकेशन पर आधारित मेरी बुक का भी कुछ स्टोरी है जो कि तहलका मचाने वाला है आने वाले समय में। ये है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दुर्गा स्थान, दुर्गा मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर। ये देख लो आप, इतना सुंदर हरियाली वाला जगह सुबह सुबह का। इस पर खाली पैर चलो आप, जिसमें मैं खाली पैर चल रहा हूँ। देखो आप खाली पैर चलोगे बीमारियों को दूर भगाओगे। और इसके सामने में ये खेती हो रहा है, इसमें शायद गेहूं लगा हुआ है, गेहूं टाइप का नहीं लग रहा है, कुछ तो सब्जी का लग रहा है ऐसा, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ ये आम का पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर एक आम का पेड़ भी बचा हुआ है। यहाँ बहुत सारा आम का पेड़ था पहले, हम जब छोटे थे तो यहाँ खेलते थे और बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। अभी वो सब ख़त्म हो गया है तो अभी इसी से काम चला रहे हैं हम लोग। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है बचपन से अभी तक, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। दोस्तों ये जगह देखो आप, इतना सुंदर लग रहा है ना, मन करता है कि यहीं पर रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ और यहीं पर पिकनिक मना लूँ। हमारे पास अगर टेंट होता ना यहीं पर मैं अपने टेंट लगा लेता और आज का ठहराव यहीं पर हो जाता, आज हम यहीं रुकते, मैगी बनाते, खाते। तो यहाँ पर नज़ारा कुछ इस तरह का है अभी। ये हैं मिश्रा जी जो तहलका मचा रहे हैं ब्लॉगिंग करके। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग और चलते हैं किसी दूसरे लोकेशन के तलाश में। दोस्तों ये है आदिवासियों का गांव और इसे हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में यहाँ पर सौतारी, सौतारी ही बोलते हैं।
यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ के लोगों का पेशा है वो है दूध बेचना, मछली मारना और दारू बनाना, तो कच्चा दारू। तो यहाँ के आसपास के लोगों को जब भी दारू पीना होता है तो वो इसी मोहल्ले में आ जाते हैं और दारू को पीते हैं और ज़िंदगी में रोज़ राजा बन जाते हैं 10 मिनट के लिए। तो हमने अपना हम लोग बचपन में यहाँ पर अमरूद चुराने के लिए, जामुन खाने के लिए आते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ से। बाहर कितना भी रह लो, घर आने के बाद कैसा भी बुरा से बुरा, ख़राब से ख़राब जगह हो, लेकिन एक अलग ही आनंद का अनुभूति होता है। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं दर्शन घाट। दर्शन घाट कुछ इस तरह का है, इधर से चलते हैं हम लोग, अब नीचे उतरते हैं। यहाँ पर छठ हुआ था तो यहाँ का वीडियो आपने देखा ही होगा। अभी ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय मधेली, और यहाँ का माहौल अभी कुछ इस तरह का है। नंबर वन, एक नंबर माहौल देख लो आप, छठ का जो खेत हुआ था यहाँ पे, अभी भी उसका जलवा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ देख लो आप लोग, कुहासे का असली मज़ा तो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, एक नंबर। देख रहे हो आप लोग, एक नंबर का मौसम है, एक नंबर का। और मेरे पीछे आप लोग देखो, सुपर डुपर हिट है ना, एक नंबर। ये है प्राथमिक विद्यालय मधेली। यहाँ से निकलते हैं किसी दूसरे लोकेशन के तलाश में। ये है मिश्रा जी, मुंबई के ब्लॉगर। ये मुंबई से आए हैं बिहार में शूट करने के लिए। इनका टारगेट था कि पूर्वी भारत को, ईस्ट इंडिया को हम पूरा कैप्चर करें। तो अभी ये बिहार पूरा ब्लॉगिंग, बिहार ब्लॉगिंग हो गया। अब यहाँ से निकलेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उधर का शूट करेंगे। फिर उधर से ये इनके पास बाइक है KTM एडवेंचर, तो उनसे निकलेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन के तलाश में। तो मैं चलाने वाला हूँ बाइक और मिश्रा जी पकड़ने वाले हैं मेरे ट्राइपॉड को। ये है दर्शन घाट का पहला ब्रिज। अभी यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो आप देख लो, कुहासा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अनुभव हो रहा है हमें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सुनसान वीरान जगह है। गाँव में क्या होता है कि लोग रहते हैं, जनसंख्या होती है, तो वहाँ पर गर्मी होता है वातावरण में, और गर्मी होने की वजह से जो है वहाँ पर कुहासे का मात्रा थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ये जो जगह है, ये नदी वाला जगह है, नदी वाला एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर कुहासा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब कभी आप इस प्रकार के जंगल वाले इलाके में या नदी वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर कुहासा ज़्यादा नज़र आता है। तो इसी वजह से इस मौसम में ट्रेनें लेट होती है, क्योंकि जब वो आबादी वाली जगह से बाहर निकलती है, सुनसान वाले रास्ते पर, खेतों से होकर के, नदियों के बगल से होकर निकलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुहासा बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें स्लो चलना पड़ता है और वो लेट हो जाती है। ऐसे मौसम में इस प्रकार के लोकेशन में एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। मुंबई के जो ब्लॉगर हैं वो उधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपना, और उनके पास जो मोबाइल देख रहे हैं आप, वो मोबाइल कोई नॉर्मल मोबाइल नहीं है, उनके हाथ में गूगल पिक्सल है मोबाइल है। वो लगभग उन्होंने 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीदा था, और बहुत हैवी ड्राइवर हैं वो सामने वाले। ये है यहाँ का नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारे। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का मॉर्निंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन था, और आज ही के मॉर्निंग का पार्ट टू वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करता हूं। तब तक आप अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और सुबह जल्दी सोकर उठिए, इसी प्रकार के मॉर्निंग का आनंद लीजिए, जो कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपका हेल्प करेगा। चलिए, बाय बाय। I've been counting down my days to get out. I've been looking for a way from this town.